नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको पेट्रोल पंप के सेटअप के बारे में बताना चाहूँगा। आपका अपना पेट्रोल पंप है या आप अपना नया पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं या आपका पेट्रोल पंप अच्छा नहीं चल रहा, तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरी यह वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगी। आपका पेट्रोल पंप ईस्ट फेसिंग है या आप जो पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं वो जगह आपकी ईस्ट फेसिंग है, तो उसमें आपको अपने पेट्रोल पंप का सेटअप कैसे करना चाहिए और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमेशा ही ध्यान रखना है, जो पेट्रोल पंप आप बनाएं, जो जगह आपकी है वो रोड लेवल से हमेशा ही ऊँची होनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फर्श की ढलान हमेशा ही साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आनी ही चाहिए। आप अपना पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं तो उसमें एक तरफ से तो एंट्रेंस होती है और दूसरी तरफ से एग्जिट होती है, तो एंट्रेंस जो आपकी ईस्ट फेस में बनेगी वो एंट्रेंस बनेगी आपकी साउथ ईस्ट से। यहाँ से आपकी अपनी गाड़ियों की एंट्रेंस होगी और एग्जिट जो होगी वो आपकी नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ से आपकी अपनी एग्जिट होगी। आपने अपने यहाँ पर ऑफिस ब्लॉक कहाँ पर बनाना और सर्वर रूम कहाँ पर बनाना है वो हमेशा ही साउथ वेस्ट में बनानी चाहिए। यहाँ पर आप अपना सर्वर रूम बनाएं साउथ वेस्ट में, यहाँ पर ऑनर का ऑफिस होना चाहिए और इसी के साथ में यहाँ पर आपका अपना अकाउंट्स रूम होना चाहिए, और अदर स्टाफ के लिए रूम बनाना है तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये रूम आपने ऑनर का बनाना है, ये रूम आपका स्टाफ का रहेगा, और अदर पर्सन की सिटिंग करनी है तो यहाँ पर ये रूम बना सकते हैं या आप यहाँ पर अपना ऑयल रूम भी बना सकते हैं। जब आप यहाँ पर ऑफिस ब्लॉक बनाएंगे तो इसका फर्श का लेवल पूरे पेट्रोल पंप के फ्लोर लेवल में सबसे ऊंचा होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपका पेट्रोल पंप बहुत बढ़िया चलेगा और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट हमारा कि यहाँ पर फ्लोर लेवल ऊंचा होना चाहिए और ऑफिस ब्लॉक और सर्वर रूम हमारे साउथ वेस्ट जोन में बनने चाहिए। आपको अपने यहाँ पर जनरेटर रखना है तो वो जनरेटर आप अपने यहाँ पर, वैसे तो साउथ ईस्ट जोन में यहाँ पर आना चाहिए, इस जोन में आना चाहिए। यदि पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है तो आप साउथ सेंटर में, यहाँ पर साउथ सेंटर से साउथ वेस्ट की ओर, यहाँ पर भी आप अपना जनरेटर रख सकते हैं और एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर की ओर भी आप अपना जनरेटर रख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन साउथ ईस्ट में, सेकंड साउथ में, और थर्ड ऑप्शन साउथ वेस्ट में, यहाँ पर आप अपना जनरेटर रख सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके लिए ईवी चार्जिंग का पॉइंट बनाया जाता है, वो ईवी चार्जिंग का पॉइंट आप साउथ जोन में, यहाँ पर आप अपना ईवी यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग पॉइंट बना सकते हैं। टॉयलेट्स आपने कहाँ बनानी है? टॉयलेट्स आप अपने ऑफिस ब्लॉक के साथ लगता हुआ यहाँ पर भी आप टॉयलेट ब्लॉक बना सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल टॉयलेट दोनों ही बनेंगे, और आप अलग से टॉयलेट बनाना चाहते हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ओर भी आप टॉयलेट्स बना सकते हैं। आपके यहाँ डीजल और पेट्रोल आता है, उसके लिए स्टोरेज टैंक लगाने पड़ते हैं। वो स्टोरेज टैंक आपके ज़मीन के अंदर होते हैं, तो वो आपने कहाँ पर किस दिशा में बनाने चाहिए, वो आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर, यहाँ पर आपके अपना ऑयल के टैंक हो जाएंगे। उसमें डीजल टैंक हो, आपका पेट्रोल के टैंक हो, एक लगाना है, दो लगाने हैं, तीन लगाने हैं, जितने भी लगाने हैं आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर डीजल के टैंक लगाने चाहिए। आपने अपने यहाँ पर सबमर्सिबल कहाँ लगाना है? सबमर्सिबल ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर आपको अपना सबमर्सिबल लगाना चाहिए। पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाना है तो वो आप यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, इस जोन में पानी का अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं। आपको अपने यहाँ पर पीने का पानी कहाँ रखना है? पीने का पानी आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर, यहाँ पर आपने अपना पीने का पानी रखना है। एयर कंप्रेशर यानी हवा भरने की जो मशीन लगानी है वो आपने अपनी यहाँ पर लगानी है, और पोल्यूशन के लिए पोल्यूशन बूथ जो बनाना है वो आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर छोड़कर नॉर्थ की दीवार के साथ बनाएं। ये तो प्लानिंग हो गई हमारी बाहर की। अब मशीनें कहाँ लगानी है? मशीनें हमेशा ही बीच में लगाई जाती हैं। यहाँ पर आपके अपनी ये मशीनों के दो पार्ट है, यहाँ पर दो मशीनें आपकी लग जाएंगी इधर और दो मशीनें आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप यहाँ पर भी अपनी दो मशीनें लगा सकते हैं।
उसमें डीजल और पेट्रोल की मशीन आपने आगे पीछे करके लगानी है, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ध्यान रखना है जो आपका फ्लोर स्लोप है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आना ही चाहिए। ऐसा करने से मेरा अपना मानना है, यदि आप इस प्रकार से सेटअप कर लेते हैं तो आपका पेट्रोल पंप बहुत ही बढ़िया चलेगा और आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेट्रोल पंप के मालिक कौन परेशान होते हैं, जिनका ऑफिस ब्लॉक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यानी वायव्य कोने में बन जाता है, वो लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं, उनकी सेल हमेशा ही कम रहती है। जिनके ऑयल के टैंक, डीजल के टैंक, पेट्रोल का टैंक यदि साउथ में, साउथ वेस्ट में या वेस्ट में आ जाते हैं तो वो लोग भी हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके यहाँ भी सेल अच्छी नहीं होती। यदि सेल अच्छी है तो कहीं ना कहीं बेवजह का मोटा नुकसान लग जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट वापस उसी स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है, वो प्रॉफिट उसको नहीं मिलता। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप अपना नया पेट्रोल पंप बनाते हैं तो उसमें नॉर्थ की साइड में आपको ऑयल के टैंक बनाने हैं, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में ही पानी की बोरिंग लगानी है और साउथ वेस्ट की ओर आपने ऑफिस ब्लॉक और सर्वर रूम बनाना है। आपके यहाँ एक अलग से पोल लगाया जाता है, जो होल्डिंग होती है, जो पेट्रोल पंप का नाम होता है, वो आपने कहाँ पर लगाना है, साउथ ईस्ट जोन में, इस जोन में होल्डिंग बोर्ड साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको होल्डिंग बोर्ड नहीं लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप अपने पेट्रोल पंप का सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका पेट्रोल पंप बहुत बढ़िया चलेगा। यदि इसके विपरीत आपका पेट्रोल पंप बना हुआ है तो आपका पेट्रोल पंप अच्छा नहीं चलेगा, आपकी सेल ज़रूर कम हो, आपकी सेल अच्छी नहीं होगी, आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं और आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विज़िट के लिए इनवाइट करना चाहें तो साइट विज़िट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।